डिसिप्लिन के साथ मैं चाहूँगी कि जो आगे जो मेरे भाई बहन लगे हुए हैं इस चीज़ पर, वो डिसिप्लिन के साथ और अपने दिमाग को सोशल से जोड़ते हुए आगे। बिहार लोक सेवा आयोग 64वीं में पूर्णिया के छात्रा के चयन से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। पूर्णिया की शालवा तरन्नुम, जिनके घर कोविड महामारी ने मां को छीन लिया और उनके गुजरने के बाद बेटी ने उनके सपनों को तीसरी बार में साकार कर दिया। शालवा को माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग में पद मिला है। शालवा का ये तीसरा अटैम्प्ट था। बीते माह उनकी माँ का निधन कोरोना से हो गया था, जिसके बाद से वो तनाव में है। हालांकि इस खुशी ने मां के गुजरने का मलाल थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन अब उनका सपना है यूपीएससी क्रैक कर मां के लिए आईएएस अधिकारी बने। करनी पड़ती है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, पर कंटिन्यू के साथ डिसिप्लिन के साथ मैं चाहूंगी कि जो आगे जो मेरे भाई बहन लगे हुए हैं इस चीज़ पर, वो डिसिप्लिन के साथ और अपने दिमाग को सोशल से जोड़ते हुए आगे बढ़े। मैं सबके लिए बस यही प्रेयर कर रही हूँ कि वो सब सफल हो जो इस फील्ड में है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये। कौन सा पद मिला है आपका? मुझे मैनेटरी वेलफेयर ऑफिसर का पद मिला है। सेटिस्फाई इस पद से? सेटिस्फाई तो इंसान कभी नहीं होता है, वैसे आगे बढ़ना चाहूंगी, लेकिन अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करूँगी जहाँ भी हूँ। अगला आपका टारगेट क्या होगा? SDM के पोस्ट के लिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। फिर से UPSC भी क्लियर करना चाहती हूँ? मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट तक अपने किसी भी इसको छोड़ना नहीं चाहती। तैयारी कैसे अच्छी बात बताएं, घर में आपके कोविड के पेशेंट भी थे, आपकी माँ गुजर के इस दरमियान तैयारियाँ भी आपके लगातार चल रही थी, कितना उतार चढ़ाव आया इस दरमियान? ये उतार चढ़ाव बहुत मतलब डिफ़िकल्ट रहा, बहुत ये रहा, क्योंकि मुझे अभी आगे एग्ज़ाम्स देने हैं। रिजल्ट तो ये वेटिंग था, लेकिन मुझे एग्ज़ाम्स देने जो 4 जून को होने वाले थे, लेकिन बिल्कुल कर नहीं पाई थी माँ के जो उनकी सिचुएशन थी उसके बाद। लेकिन जो भी है, मुझे पता था कि मैं जो माँ के लिए कर रही हूँ उसके बाद मैं इस कंडीशन में भी एग्ज़ाम में बैठूँगी तो भी मैं कुछ जरूर कर जाऊँगी। डिफ़िकल्ट तो जरूर था, लेकिन कर जाऊँगी। आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने यहाँ स्कूलिंग यहाँ उस्लाइन गवर्नमेंट से, फिर ग्रेजुएशन मैंने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने आगे PG दिल्ली से मतलब किया, फिर नेट भी क्वालिफाई की, वहीं मैंने अपने UPSC की कोचिंग क्लासेस भी की और संजय सर स्पेशली इसमें रहे हैं और उन्हीं से जुड़कर मैंने अपना जो भी सीखा उन्हीं से सीखा है मैंने। ऊपर वाले को यही मंजूर था, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता है, वो तो भी तो है, वो जो चाहे कर सकता है। तो अच्छा ये बताएं, जो हादसा हुआ था किस वजह से हुआ था? वो उनसे छोटी बहन को सिविल इंजीनियर है, वो उनको भी BKC में गई थी इंटरव्यू के लिए लेकर के, और वहाँ काफ़ी गर्मी थी पटना में, उसके बाद लौट के आए तो सर्दी बुखार खांसी ये सब हो गया, लेकिन वो इलाज होता रहा, जो दवा की उनको मर्ज बढ़ता रहा और लास्ट में सदर अस्पताल पूर्णिया में उन्होंने दम तोड़ दिया। कारण क्या था? कोविड था? कोविड वार्ड में भर्ती हुई लास्ट में, पहले तो सब फिजिशियन वगैरह डॉक्टर मिल कर करके उसका इलाज कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे हर तरह से, नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया, लेकिन वहाँ पर हुआ दम तोड़ दिया। बेटी के लिए आपको गर्व है? बिल्कुल गर्व है, और कोई बेटी नहीं, सभी बेटियों के लिए, और सभी बेटी हमारे बेटे के बराबर हैं, हमें एक ही बेटा है, लेकिन मैं 7 बेटा बोलता हूँ और लोग सुनते हैं तो उनको ताज्जुब होता है, बाबू जब सुनते हैं कि बेटियाँ हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अच्छा, बेटी बेटा से ज़्यादा है। अच्छा, आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से मैं बिजनेस करता हूँ, थोड़ा बहुत ज़मीन है और बिजनेस से ही सबको पढ़ाया लिखाया, शुरू से ही हम दिक्कत में रहे,
उतार चढ़ाव मेरे बहुत आए बहुत आए, और अजीब हालत है ऊपर वाले का कि तुरंत आसमान में चढ़ाता है तुरंत जो है नीचे गिरा देता है, ये मेरे साथ रहा है, बहुत सारे इस ढंग की घटनाएं हुई। नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद मसूद आलम, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है अभी, क्योंकि मेरी वाइफ मतलब मेरी माँ एक्सपायर कर गई, लेकिन उस गम में जो खुशी मिली है, हालांकि गम को तो बढ़ा दिया लेकिन उसको दबाने के लिए खुशी उस काम कर रहा है, और हमने जो किया था उससे ज़्यादा मेरी वाइफ ने किया था, जो कि जिस पेड़ को उन्होंने लगाया उसका फल उनको खाना था अनायास, ये नसीब नहीं हुआ।